एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। द फिगर 2.7, एक फिगर है गिवन हम लोगों को, तो फिगर पहले ड्रॉ कर लो। ये एक पी सेट है और ये क्यू है। 5, 6, 7, 3, 4, 5 और इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया एरो डायग्राम से, ठीक है। अब देखो क्या है, सोच अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेट पी एंड क्यू, राइट दिस रिलेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हम लोगों का इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में देखो क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं रिलेशन का बात कर रहे हैं, वो किधर है, पी टू क्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है हम लोगों का, मान लेते हैं ये एक्स और ये वाई, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म मतलब क्या, उसको लैंग्वेज में लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर आर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू एक्स वाई, द सेट ऑफ ऑल एक्स वाई सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई एंड एक्स बिलोंग टू पी एंड वाई बिलोंग टू क्यू, ठीक है। ये एक रिलेशन हो गया ना, कि ये जो भी एक्स है देखो 3 से बड़ा है, 4 से बड़ा है, यहाँ पर 5 से बड़ा है, तो ये एक रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। देखो रिलेशन में जरूरी नहीं कि एक ही आंसर आएगा, रिलेशन आप किसी को कैसे भी बता सकते हो। जैसे अगर हम लोग अपने बीच में दो भाइयों की बात करते हैं, ठीक है, तो बड़ा छोटा का भी रिलेशन हो सकता है और दोनों के बीच का रिलेशन बोथ आर ब्रदर, ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ऐसे भी देख सकते हैं, देखो 5, ये 3 क्या है 5 से 2 कम है, ये 4 क्या है 6 से 2 कम है, 5 क्या है 7 से 2 कम है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल एक्स वाई सच दैट, ये जो y है, y का वैल्यू वो क्या है x से 2 कम, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 एंड x बिलोंग टू p एंड y बिलोंग टू q, ठीक है। तो ये हो गया एक रिलेशन हम लोगों का, जैसे मन वैसे हम लोग शो करना चाहते हैं शो कर लेंगे, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये तो फर्स्ट, इसका सेकंड हम लोग को जो निकालना है वो रोस्टर फॉर्म, ध्यान देना। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, सारा का सारा जो डेटा होता है वो हम लोगों को सामने नजर आता है, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या, डायरेक्ट इसको ऐसे लिख लो 5, 3, 6, 4 और ये 7, 5, तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म, ठीक है। उसके बाद हम लोग को फाइंड करना है डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया यहाँ पे 5, 6 और 7। उसी तरीके से अगर रेंज की बात करेंगे तो रेंज क्या होता है, सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो ये हो गया 3, 4, 5, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर था हम लोगों का 4। क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोगों का, वो है लेट ए इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 6 एक सेट है एंड लेट आर बी अ रिलेशन ऑन ए। तो ध्यान देना कि रिलेशन ऑन ए की बात करेंगे तो इसका मतलब ही होता है कि वो रिलेशन होगा वो सेम सेट के साथ होगा, ए टू ए की बात कर रहे हैं। तो ये जो ए है हम लोग के पास, इसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 6, तो सेम का रिलेशन सेम के साथ 1, 2, 3, 4 एंड 6। अब देखो रिलेशन जो डिफाइंड है वो किसके साथ है, वो रिलेशन ऑन ए है, डेट इज आर इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल ए बी सच दैट ए बी बिलोंग टू ए एंड बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। ये है रिलेशन, ठीक है। तो फर्स्ट में हम लोग को क्या करना है, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिख देना है, मतलब एलिमेंट्स को पहचान कर लिख देना है। ये क्या था हम लोग का, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो होना चाहिए जो बी, वो ए से एग्जैक्टली डिविजिबल। तो देखो ये वन जितने भी नंबर्स होते हैं सबको हम लोग वन से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो वन वन को डिवाइड करेगा, टू को भी डिवाइड करेगा, थ्री को, फोर को एंड सिक्स को भी, ठीक है। अब देखेंगे क्या, टू टू को तो डिवाइड कर लेगा, फोर को भी करेगा, सिक्स को भी, थ्री थ्री को करेगा, सिक्स को करेगा, फोर फोर को करेगा, सिक्स सिक्स को करेगा। तो इसका हम लोगों को क्या करना है, अरेंज कर लेना है इसको। तो ये जो आर होगा, देखो ए के जगह पे वन किया हमने, बी को डिवाइड करेगा, वन को करेगा,
ठीक है, वन डिवाइड करेगा किसको, टू को भी, फिर थ्री को भी, फोर को भी, उसके बाद सिक्स को भी डिवाइड कर लेगा, इसकी कहानी ख़त्म। टू की बात करेंगे तो टू किसको डिवाइड करेगा, टू को, ठीक है ना, फोर को भी करेगा तो ये हो गया टू फोर, फिर किसको करेगा, सिक्स को भी कर लेगा, क्लियर। अब देखो थ्री की बात करते हैं, थ्री से तो थ्री डिवाइड करेगा थ्री को और किसको, सिक्स को, ठीक है। फोर की बात करेंगे तो फोर डिवाइड करेगा फोर को, लेकिन सिक्स को नहीं डिवाइड करेगा, सिक्स डिवाइड करेगा सिक्स को। तो ये था हम लोगों का आर किस में, रोस्टर फॉर्म में, ये था हम लोग का वन। टू की बात करेंगे तो टू हम लोगों को निकालना है क्या, डोमेन ऑफ आर। तो डोमेन हमेशा याद रखना, याद हो गया होगा अब, डोमेन क्या होता है, द ग्रुप ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट यही होगा, सेम सेट की बात कर रहे हैं, वन टू थ्री फोर एंड सिक्स, ठीक है। थर्ड हम लोग को फाइंड करना है रेंज, तो रेंज क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। तो सेकेंड एलिमेंट वही हो जाएगा, ये हो जाएगा वन टू थ्री फोर एंड सिक्स, क्योंकि सेम सेट का रिलेशन सेम के साथ हो रहा है। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर इक्वल्स टू एक्स, द सेट ऑफ एक्स एंड एक्स प्लस फाइव सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द सेट, एक्स इस सेट से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग को फाइंड करना है डोमेन एंड रेंज। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो रिलेशन दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, एक्स किससे, ये एक्स सेट से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो सारे एलिमेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, एक्स के जगह पे रखते चले जाएंगे, ठीक है। तो चलो एक्स के जगह पे पहले हम लोग जीरो रखेंगे, तो ये हो गया जीरो, तो ये जीरो प्लस फाइव कितना हुआ, फाइव। एक्स के जगह पे वन रखा हमने, तो ये हो गया वन, और वन प्लस फाइव कितना, सिक्स। एक्स के जगह पे टू, तो टू और ये कितना हो जाएगा, सेवन। एक्स के जगह पे थ्री, तो ये कितना होगा, एट। एक्स के जगह पे अगर हम लोग फोर रखें, तो फोर प्लस फाइव कितना, नाइन, और एक्स के जगह पे फाइव, तो ये हो गया टेन, ठीक है। मतलब ओवरऑल बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है ना। अब देखो ये हो गया हम लोग का रिलेशन, निकल गया सेट बिल्डर फॉर्म में। अब यहाँ से इसको देखकर हम लोग क्या कर सकते हैं, डोमेन और रेंज दोनों फाइंड कर सकते हैं। तो डोमेन ध्यान देना, डोमेन क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन, ठीक है। तो रिलेशन ये हुआ, ऑर्डर्ड पेयर ये है, इसका सारा फर्स्ट एलिमेंट को निकाल कर लिख दो, ये हुआ जीरो वन टू थ्री फोर एंड फाइव, ठीक है। रेंज, रेंज क्या होता है, सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन, ठीक है। तो सेकेंड यहाँ शुरू करो, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ठीक है। बहुत ही आसान था।